पता नहीं अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज़ की उनमें आकड़ आ गई है ना, उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है, और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। इंजमामुल हक साहब जब से उनके कोच बने हैं तब से उनको बैटिंग का पता लगा है कि बैटिंग कैसे की जाती है। उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं। जो कल हुआ है उसके बाद शायद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया हमारा उतना बड़ा हरीफ नहीं है जितना बड़ा हरीफ हमारा अफगानिस्तान है। जब आप मैदान के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, जब आप समझते हैं कि यार हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, हम इनके ऊपर इनको मार के गुस्सा अपना निकाल लेंगे, तो यकीन माने कि फिर पाकिस्तानी भी आगे से जब रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। अफगानिस्तान। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, कल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बाद बड़े ही अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले। सबसे पहले ये मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जब अफगानिस्तान मैच हार गया तो अफगान फैंस ने पाकिस्तान के फैंस को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। स्टेडियम के अंदर से कुर्सियां उठा उठा कर पाकिस्तान के फैंस को मारी गई, उन्हें गाड़ियों से निकाल निकाल कर बुरी तरह से पीटा गया। इस सारे मामले पर आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? अनस। अनीब। फलक शेख। कल जो शारजा स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद हुआ, स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर क्या कहेंगे आप, उस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान बड़ा अच्छा प्ले कर रहा था, अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अफसोसनाक वहाँ पे वाकया पेश आया। और ये कहने पे हम मजबूर हैं कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे माली तौर पर, चाहे जब उनके अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी हुई थी और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी, लेकिन कल अफगानिस्तान के जो प्लेयरों ने जिस तरीके से आसफ अली के साथ बदतमीज़ी की है, आप यकीन माने हमारे दिल अफगान लोगों के साथ धड़कते थे। हमने उनके लिए कुर्बानियां दी, हमने उनके लिए जंग लड़ी, लेकिन कल देख के ये लग रहा था कि जैसे अफगान कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे से इतने तो हमारे से इंडिया नफरत नहीं करता, इतनी तो इंडियन को हमारे से नफरत नहीं जितनी अफगानिस्तान ने हमारे साथ ये कल हरकत की है। आसिफ अली जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलता है, शरीफ सा बंदा, आपको पता है वो छक्का भी मार रहा हो तो चुप करके खेल लेता, लेकिन जिस तरीके से जब वो आउट हुए, गेम है, गेम के अंदर आउट भी होता है, छक्के भी लगते हैं, मैच जीतते भी हैं, मैच हारते भी हैं, आप आउट करने के बाद जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं, इखलाकी तौर पे आपने बड़ी गंदी हरकत की है, जिससे पूरा पाकिस्तान की जो आवाम है वो गुस्से का इजहार कर रही है। चलें ये तो हो गया क्रिकेट मैच के अंदर जो खिलाड़ियों के साथ हुआ, आपने आपके फैंस ने क्या किया? आज तक कभी आपने देखा है कि जो स्टेडियम की कुर्सियाँ जो है वो निकाल के पाकिस्तानी फैंस को मारी जा रही हैं? ये तो पाकिस्तानी अच्छे हैं जिन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो आगे से देख रहे थे कि हरकत क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये बता रहे थे कि हम कैसी कौम हैं। पाकिस्तान तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान तो जब इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान कहता कोई बात नहीं, हमारा हमसाया जीत गया, चलें कोई बात नहीं। हम आप देख लें कल किस तरीके से बाबर आजम से उनके जो कैप्टन ने सलाम लिया, जब आपने उससे पहले देखोगे पाकिस्तान नारा किस तरह कोहली बाबर आजम से सलाम ले रहा था, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल उन्होंने किया है इससे पाकिस्तान का जो हर फैन है, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो काफ़ी मायूस हुए हैं अफगानिस्तान के इस रवैये से। अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, आपने बड़ा अच्छा फाइट किया, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपके जो फैंस हैं हमें कुर्सियां मारना शुरू कर दें? कुर्सियां मारने की बात तो एक तरफ, इन्होंने क्या किया कि गाड़ी में जो लोग बैठ के जा रहे थे उन्हें गाड़ी से निकाल निकाल के मारा गया। देखें जब आप मैदान के अंदर कुछ नहीं कर पाते हैं ना, जब आप समझते हैं कि यार हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, हम इनके ऊपर इनको मार के गुस्सा अपना निकाल लेंगे, तो यकीन माने कि फिर पाकिस्तानी भी आगे से जब रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ अफगानिस्तान, हम आपके साथ हैं और हमने हमेशा आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने हमेशा हमें ये भी शो करवाया कि हमारे से सबसे ज़्यादा जो आप बड़े मुनाफिक आप लोग हैं और आप हमेशा पाकिस्तान से नफरत करते हैं, हमें ये लगा इस दफ़ा। अच्छा, आज से पहले ना हम ये सोचते होते थे, बचपन से बल्कि ये सोचते होते कि शायद इंडिया हमारा हरीफ है, इंडिया हमारा रवायती हरीफ है, पाक भारत टाकरा के नाम से शोज चलते, दो दो चार चार दिन घंटा घंटा पूरे ट्रांसमिशन होती थी, जनाबे अली उधर से
तंदो तेज जुमले आ रहे हैं, इधर से जुमले जा रहे हैं, और ना एक बड़ा माहौल क्रिएट हुआ होता था। लेकिन जो कल हुआ है उसके बाद शायद मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि इंडिया हमारा उतना बड़ा हरीफ नहीं है जितना बड़ा हरीफ हमारा अफगानिस्तान है। हालांकि अफगानिस्तान को हम अपनी ब्रदर कंट्री समझते थे, वो भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनकी कंट्री के ऊपर इतने डिजास्टर आए हैं तो पाकिस्तानी ने उनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया, उनको पाकिस्तान में रहने की जगह दी, उनके जो बिजनेस हैं वो यहाँ पर चले। इसके अलावा आप देखें लाहौर के अंदर कितनी मार्केट्स हैं जहाँ पर अफगानी पठान यहाँ पर आके अपना शानदार कारोबार कर रहे हैं, और हमें ये लगता था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं और हमने हमेशा फ्रेंडली मैच देने की उनको कोशिश की है। लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद हमारी सोच थोड़ी चेंज होगी कि यार जनाब अली बात ये है कि चार दिन पहले हाइप स्टार्ट होती है पाक भारत टाकरा, और जो ड्यूरिंग मैच भी पहले भी और ड्यूरिंग मैच भी इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स फुल जोश में होते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो फैंस होते हैं वो फुल जोश में होते हैं। लेकिन जैसे ही मैच पाकिस्तान हारता है या इंडिया हारता है, आप स्टेडियम के बाहर आकर देखें, अगर इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान वाले मुस्कुरा कर पास से गुजर रहे होते हैं, अगर पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया वाले मुस्कुरा कर पास से गुजर रहे होते हैं, दोनों तरफ से जो मर्जी जीतने वाले की तरफ से एक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन में कुछ नहीं आता सिवाय स्माइल के। तो आप ये देखें कि इंडिया और पाकिस्तान कितनी अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, उनके फैंस भी, उनके खिलाड़ी भी, लेकिन कल जो देखने में आया वो इंतहाई अफसोसनाक था। मैंने जब वो वीडियो देखी ना, आप बिलीव करें, बड़ा दिल दुखा कि यार देखो हार जीत हो जाती है, खेल का हिस्सा है। अब मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी भारत की कि विराट कोहली जो है वो आके रिजवान को और बाबर आजम को गले लगा रहा है, और उन आपने देखा होगा कि बिहाइंड द सीन जो होता है जैसे BTS होता है कि मैच शुरू होने से पहले भी उनके कितने अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया और पाकिस्तान के। पता नहीं अफगानिस्तान टीम को क्या हो गया, किस चीज़ की उनमें आकड़ आ गई है ना, उनको मैं कहता हूँ बल्ला पकड़ना आता है, और उनको सिखाने वाले भी हम लोग ही हैं। इंजमामुल हक साहब जब से उनके कोच बने हैं तब से उनको बैटिंग का पता लगा है कि बैटिंग कैसे की जाती है, उमर गुल उनके बॉलिंग कोच हैं। आप पाकिस्तान से सर्विसेज ले रहे हैं, या तो कोई इतनी नफरत है पाकिस्तान से तो आप सर्विसेज भी ना लें, उस पर भी बायकॉट करें, क्यों जी। आप देखें ना उमर गुल उनको बॉलिंग सिखा रहे हैं और आप उनसे हमसे ही सीख के और हमारे ही मतलब के प्लेयरों पे आवाम पर मतलब आप तशद्दुद कर रहे हैं। आसिफ को इन्होंने मैच फी का जुर्माना किया और उस प्लेयर को नहीं किया, अगवानी बॉलर को, जबकि गलती उसकी थी, उसने गाली गलौज की, ठीक है, जारी बात है गाली गलौज किसी को करोगे तो वो आउट होकर जा रहा है एक प्लेयर, उसको गुस्सा चढ़ेगा, तो हाइपर किया गया। लेकिन इस बात पे मैं कहूँ उस वक्त ऑलरेडी माहौल गर्म होता है ना, मतलब एक बंदे को आपने आउट किया वो जा रहा है तो डेफिनेटली वो गुस्से में होगा, उसका जोश तो होगा, जो वलवला होगा इस वक्त पीक पे होगा जी। और सबसे अच्छी बात नसीम शाह ने जो जवाब दिया इनको, बल्ले से जो जवाब दिया आउटस्टैंडिंग, दिल जीत लिया नसीम शाह ने, अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे, हम सबकी दुआ उसके साथ है। लेकिन मैं फिर एक बात करूँगा, अफगानिस्तान में ना वो कहते हैं ना कमी है, थोड़ा सा मतलब हार बर्दाश्त नहीं है, उनके प्लेयरों ने वहाँ नुकसान किया, शारजा के जो कुर्सियाँ थी उनको तोड़ा, और उसके बाद पाकिस्तानियों पे जहाँ देखिए ग्रीन शर्ट वहाँ पे वो फेंकते गए, देखें खवातीन भी वहाँ पे आती हैं, हम ये सुनते थे कि जो पठान कौम है ये अफगानी कौम है ये खवातीन का वैसे ही बड़ा एहतराम करती है, हमने हमेशा ये सुना है मैंने, और वो मतलब देख रहे हैं कि खवातीन का लिहाज नहीं, उन पर भी कुर्सियाँ डंडे, ये तो चंद वीडियो थी जो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, वहाँ पर और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के हालात होंगे जो शायद हमने कैमरे में कई चीज़ों रिकॉर्ड भी नहीं हुई होंगी। हम तो अपना रवायती हरीफ जो है वो इंडिया को समझते थे कि पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि हमारे रवायती हरीफ जो है वो इंडिया नहीं है, अफगानिस्तान। आपको लेट लगा है, मुझे वर्ल्ड कप में लग गया था, बल्कि उससे पहले ही लग गया था, क्योंकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें जब वो पाकिस्तान के साथ खेलते हैं वो टोटली डिफरेंट होती है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स, अफगानी प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपनी आवाम को और ख़ुद से भी चाहिए कि डिसिप्लिन में रहें, और क्योंकि ये देखें ये एक पीस की एक जेंटलमैन गेम है, तो मेरे अफगानियों को चाहिए कि ये इसको जिस तरीके से वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं अपना एटीट्यूड भी अच्छा करें। इसी तरह अगर हम बात करें इंडिया की, तो बहुत सारे मैचेज ऐसे हैं जिसमें इंडिया जीत जाता है, बहुत सारे मैचेज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान जीत जाता है, लेकिन उस तरह का ये रवैया हमें कभी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिला जो कल अफगान की तरफ से हमें देखने को मिला। मैं बिल्कुल इस बात की तारीफ करता हूं कि जितनी मरतबा पाकिस्तान जीता है या फिर हारा है, ना पाकिस्तान फ़ैन की तरफ से ना इंडियन फैंस की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन आया। इंडियन हमें कितने वर्ल्ड कप के मैच हम हारते रहे, इतना मतलब कि दिल को दर्द होता है, लेकिन देखें हमारे अंदर जो सब्र है कितना है। इंडियन फैंस को देख लें, उन्होंने आज तक पाकिस्तान को बुरा भला कहा होगा, तनकीद की होगी सोशल मीडिया को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कुर्सियाँ लेके जो गाड़ियों से लोगों को निकाल के मार रहे हैं। तो मैं तो पहले ये समझता था कि शायद इंडिया के लोग हमारे से ज़्यादा नफरत करते हैं, कल जो मैच हमने देखा है उसके बाद हमें ये लगता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको हमारे से ज़्यादा नफरत है। जो UAE के वहाँ पे पुलिस है उन्होंने भी इसके खिलाफ एक्शन लिया, क्या कहेंगे आप?
एक्शन अगर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल कि एक्शन ऑन टाइम लेना चाहिए था। आपको पता है कि वहाँ पर मैच हो रहा है और मैच के दौरान इतनी नाकी सिक्योरिटी थी कि उसके बाद काफ़ी टाइम तक मारपीट चलती रही है, कुर्सियाँ उखाड़ी गई हैं और दो भी सिक्योरिटी वाले ऐसे नज़र नहीं है। वीडियोज़ के अंदर आप देखेंगे होता ये है कि चलें ठीक है सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते पूरे, लेकिन हर इंप्लॉयर के ऊपर पाँच पाँच छः छः पुलिस वाले तो खड़े होते हैं। आप वीडियोस के अंदर देखें कोई एक पुलिस वाला भी ऐसा नहीं था जो आकर उनको रोक रहा हो, लेकिन अगर इनिशिएटिव लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफगानी गवर्नमेंट को और अफगानी जो बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड है उनको बताना चाहिए कि जनाब अली आप अपने जो फैंस हैं शायकीन हैं या तो उनको समझाएं या तो उनकी काउंसलिंग करें, अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको बैन कर दें। क्योंकि ये बार बार इस तरीके से, क्योंकि एक दो पहले भी आपने आपको शायद याद होगा एक बार पहले भी जब अफगानिस्तान हारा था तो ये रवैया सामने आया था। ये एक बार नहीं तीसरी बार हमें देखने को मिला इस तरह का माहौल, तीसरी बार। अब वो यूज टू हो गए हैं, अब उनको ऐसे लगता है भाई कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा, अगर पहली बार एक्शन लिया था तो शायद अब ना होता, दूसरी बार ना होता, अब तीसरी बार ये हुआ है, अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया गया तो मैं आपको बता रहा हूँ चौथी बार भी ऐसा ही होगा। अच्छा ये भी सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली को बैन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल, लोग तो कोशिश करते हैं कि जो इनका पावर हिटर है जो आके मैच जितवाता हम उसको बीच में निकाल दें, लेकिन सबको पता है किसकी गलती है, वो तो जा रहा था उसने तो आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब आप आगे आके सामने आके आप उसको गाली देंगे तो आगे से कोई तो वो रिस्पॉन्स करेगा ना, उसने फिर भी कहा यार मुड़ जा पीछे, एक मतलब उसने हाथ से कहा वो फिर दोबारा वो कोई गाली देने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने ऐसे बैट ऐसे किया लेकिन उसने रोक लिया, लेकिन वो मुसलसल यही कोशिश कर रहे थे। और एक अफगानिस्तान का जो प्लेयर है वो भाग के आया, उसने ऐसे धक्का भी दिया, लेकिन आसिफ अली ने फिर भी जो है ना सब्र का मुजाहरा किया और चुप करके चले गए हैं। जो आपने बात की है कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होते रहे हैं जिस तरीके से, देखें यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप मैच हारते हैं मैच जीते हैं लेकिन आप सब्र का मुजाहरा करते हैं। मैं ये हमेशा कि हम ये समझते थे कि इंडिया के लोग जो अच्छे नहीं हैं शायद, या पाकिस्तानी इंडिया वाले समझते हैं कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं हैं, लेकिन कल के मैच ने ये साबित किया है कि हम हारते थे फिर भी इंडिया के जो प्लेयर थे वो बड़े अच्छे तरीके से बड़े एहसन तरीके से हमारे साथ जो अलविदाई मुलाकात होती है सलाम लेते हैं जब, तो बड़े बेहतर तरीके से पाकिस्तानियों से मिलते थे। जब पाकिस्तान उनको हराता था तो पाकिस्तान में उनके साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं करता था, कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिस तरीके से कल ये हरकत देखने को आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है पाकिस्तानी भी इंजॉय करते हैं, इंडियन भी इंजॉय करते हैं और दोनों जो है स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं। आसिफ अली बहुत अच्छा प्लेयर है हमारा, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखनी थी पाकिस्तान की वो इज़्ज़त रखी है, वो आसिफ अली हो चाहे नसीम शाह हैं तो हम एक ही, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो हरकतें की गई हैं अफगानिस्तान की तरफ से ये बहुत ही, मैं समझता हूं उनके जो लोग भी होंगे ना कुछ उनमें अच्छे लोग भी होंगे वो भी फील कर रहे होंगे कि यार ये गलत है, मैच को मैच समझें ना कि जंग का मैदान बनाएं। मैं यहां पे भारत की तारीफ ज़रूर करूंगा, उस वजह से करूंगा कि मैंने देखा है कि वहाँ पर हमारा जो शहीन शाह अफरीदी है वो अगर नहीं खेल रहा तो सारे उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम्हारे पाँव को, क्या ये स्पोर्ट्समैनशिप है। फ़खर जमान आप देख लें कितना बड़ा वो प्लेयर है हमारा, आप वो देखें कि उसका भारत के मैच में इतना बड़ा मैच था उसमें उसका एज लगा है जबकि उसको पता है कि मेरा एज लग गया, उसने अंपायर की तरफ नहीं देखा और वो जाके उधर पवेलियन की तरफ चला गया। ये स्पोर्ट्समैनशिप है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं यार कि आप मतलब वहाँ पे आवाम पे भी तशद्दुद कर रहे हैं। बल्कि रमीज़ राजा साहब का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने इस बारे में बोला है कि हम एक लेटर लिखेंगे आईसीसी को और इस पर ये जो हरकतें हुई हैं हमारी कौम पे जो इन्होंने कुर्सियाँ उठा के मारी हैं इसका सख्त नोटिस दिया जाएगा। अगर अफगानिस्तान की यही हरकतें रहती हैं तो मेरे ख्याल से इनकी टीम को बैन कर देना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। आज अगर इंडिया से इनका मैच होता है या किसी और टीम से होता है ये उनसे भी हारेंगे, ये उनके साथ भी यही सब करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी फैंस की जानिब से हमें कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला, जितनी भी वीडियोस दिखाई गई उसमें यही दिखाया गया है कि अफगानियों ने मारा है पीटा है गालम गलोच के, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन नज़र नहीं आया। हाँ उन्होंने सेलिब्रेट किया है अपनी जीत को, नाचते रहे हैं जिस तरह मर्जी नाचे, सेलिब्रेट करना हर एक का हक है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का रिएक्शन देखने को नहीं आया जिस तरह का अफगानियों ने उनके साथ रवैया अपनाया। देखें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी रिजवान की, रिजवान बीबा बच्चा मैं तो यही कहूँगा उसको कि आप देखें कि उसको अगर वो आके ना बॉल करके जब बीट हुई उसको आंखें दिखा रहा था अफगानी बॉलर,
शुरू में ना, तो रिजवान आगे से हंस के हंस रहा है, उसे गले लगा रहा है, हंस रहा है, स्माइल, वो स्माइल जेस्चर ऐसा देता है कि अगला बंदा वहीं पे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। पाकिस्तान का ये रिस्पॉन्स था। उसके अलावा शदाब को आप देख लें, कीपर के साथ वो मजाक मस्तियाँ कर रहा था, खेल रहा था, क्योंकि वो भी खान है, कीपर भी खान है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को आई हैं। मुझे लगता है उनकी निस्वार शायद ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो छक्के पड़ गए दो एंड पे। जब तक निस्वार खाते रहे हैं तब तक ये लोग टिके रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा है। जैसे ही बल्कि वो मुझे लगता है वो बल्कि उन्होंने कंप्लेन भी किया है शारजा वालों ने कि यहाँ पर ना इतनी निस्वार बरामद हुई है शारजा के, वहाँ से खाली खाली पैकेट मिले हैं कि लातदाद पैकेट वहाँ पे जो अवाम पठान आई हुई थी वहाँ पर निस्वार बहुत खाई गई है। मुझे तो लगा है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, बैन कर दिया दो मैचों के लिए। अच्छा। और अफगानी प्लेयर को भी दो मैचों के लिए बैन कर दिया। चले ठीक है, बैन की है, सजा दी है, ताकि आइंदा पाकिस्तान की तरफ से भी ना हो और अफगानिस्तान की टीम की तरफ से भी ना हो। देखिए लड़ाई तो लड़ाई है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो अगर ICC के मैच रेफरी ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो ठीक लिया, और जो है वो ताकि आइंदा को ऐसी दोबारा से हरकत ना करे। अभी वो जो लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सारे मामले के? बात यह है कि हमने बचपन से सुना हुआ है, बल्कि ये सुना नहीं हुआ, ये हकीकत है कि जो खेल होती है ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम फ़रोग देने की एक बहुत अच्छी एक मीडियम है। कि जनाबे अली अब खेलते हैं, एक टीम हारती एक जीतती है और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं, तो खेलों से मोहब्बत ही फैलनी चाहिए, खेलों से जंग नहीं होनी चाहिए। जंग करने के लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म में वहाँ जंग लगी हुई है, हर जगह पर जंग लगी हुई है, लेकिन जो एक खेल है जनाबे अली, लोग मोहब्बत करते हैं इससे, लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं, कम अज़ कम उसको प्यार की हद तक रहने देना चाहिए, उसको मोहब्बत की हद तक रहने देना चाहिए। और एक टीम जीती है उसको जश्न मनाना चाहिए, लेकिन अखलाकियात के दायरे में रहकर जो हारी है उसको भी दूसरे टीम के जो जीत है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये यहाँ पर बात करूँगा कि देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो दो मुल्कों को एक करती है। हमारे बड़े मामला भारत से अगर ख़राब थे ना, कुछ सियासी मामला अगर आप देख लें, वो इस मैच ने काफ़ी हद तक ठीक किए हैं। खिलाड़ियों में हमने देखा है कि रोहित शर्मा बाबर से मजाक कर रहा है, विराट कोहली मजाक कर रहा है, हंस रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। ये स्पोर्ट्समैन जो शिप होती है ना, ये लोग आपस में एक दूसरे को एक करते हैं प्यार मोहब्बत से, कि यार एक बातें याद रहती हैं कि अच्छा टाइम गुजारा है। पुराने प्लेयर्स की आप बात देख लें तो वो भी यही कहते हैं कि यार हमारा तो आना जाना है, उठना बैठना इन लोगों के साथ रहा है। तो बड़ा अच्छे मामलात रहे हैं, इस तरह के काम मत करें जिससे आपकी क्रिकेट टीम बैन हो जाए। मैं अगवानियों को कहूँगा, बाकी तो समझदार टीमें विजिट भी कर चुकी हैं, अगवानी लगता है कि धड़ल्ले ही हैं, बस एम ही ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, सिखाने वाले हम लोग ही हैं आपको। या तो अगर आपको इतनी तकलीफ़ है हमसे, आप उमर गुल को भी वहाँ से फिर निकालें, वो पाकिस्तान खेला हुआ है। इंजमामुल हक ने आपको बैटिंग सिखाई है, आप उनको भी बैन करें, सीखना हमसे है। और हम पे ही कहते ना, मेरी बिल्ली मुझे मियाँ, ये वो वाला हिसाब है इनका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। UAE की पुलिस ने तो अफगान फैंस के खिलाफ एक्शन ले लिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ICC को भी इस सारे मामले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि दोबारा हमें इस तरह का कोई भी मामला देखने को ना मिले। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ।